हेलो, हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट्स अप? आई जस्ट शेयर द लिंक यार। ये पता नहीं यूट्यूब का क्या कुछ सेटिंग चेंज हो गया। शायद स्ट्रीम डजंट हैपन, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, हो गया ना? ऑल गुड ना? सॉर्टेड। हुफ। हाँ जी, सो पापियो क्या हाल है? अबे तुम हो गए? मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। इज इट टेकिंग द वॉइस? एक मिनट। अरे मेजर पता नहीं क्या ही है। ये आवाज आ रही है, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? एवरीथिंग गुड? एटलीस्ट ये बताओ बेशर्मो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है यार। ओके, अच्छा, आई कैन सी योर नेम्स फाइनली। चलो नाइस। ऑल ओके, चलो प्री फेयर। मिस्टर बैनर्जी, हाँ जी, चलो एनीवे अब जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको एक सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू बता दिया था, ड्राफ्टिंग का, है ना, कि एग्जैक्टली कंटेंट क्या है और यू नो व्हाट ऑल योर सब्जेक्ट कंप्राइजेस ऑफ, वो सब बात हम लोगों ने कल कर ली थी। ड्राफ्ट कितने मार्क्स के आते हैं, देन थ्योरी कितने मार्क्स की आती है, वी स्पोक अबाउट दैट इज वेल। और आई थिंक फिर कुछ बहुत बेसिक वर्ड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कल डिस्कस करना स्टार्ट किया था। वी जस्ट डिड टू थ्री थिंग्स, है ना। सो हम लोगों ने कल ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट, तीन चीज़ों का मीनिंग देखा था। और ड्राफ्टिंग हम लोगों ने जो फाइनली कंक्लूड किया था, हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि भाई इट इज़ फर्स्ट थिंकिंग एंड देन कंपोजिंग, राइट? सो आप कोई भी चीज़ को अगर यू नो, मैं अगर लीगल ड्राफ्ट की बात करूँ प्योरली, सो इट इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन और अ सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन लैंग्वेज फॉर्म, है ना। फिर उसको हम लोगों ने कुछ सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया था। कन्वेंसिंग टोपा के हिसाब से हम लोगों ने बात की थी कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कन्वेंसिंग के बारे में बात करता है, और जब भी आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की बात करते हैं, सो दैट अमाउंट्स टू कन्वेंसिंग, राइट? सो वो पर्टिकुलर क्लॉज अग्रीमेंट का जो प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट, बेनिफिट, राइट्स दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करता है, उस पर्टिकुलर क्लॉज को हम लोग बेसिकली कन्वेंसिंग बोलते हैं, राइट? और अल्टीमेटली वो डीड बन जाती है कन्वेंसिंग डीड, है ना। फिर हम लोगों ने ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग का डिफरेंस देखा था कि ड्राफ्टिंग तो बहुत ब्रॉडर वर्ड है, एनीथिंग विच यू राइट बिकम्स अ ड्राफ्ट प्रोवाइडेड इट मेक सेंस, जबकि कन्वेंसिंग स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। सो कन्वेंसिंग का स्कोप बहुत लिमिटेड है एज कंपेयर टू द वर्ड ड्राफ्टिंग। फिर कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंसिंग, हियर वी स्टॉप्ड। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से डिफाइंड है, जो हर पार्टी के या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है। विज़-विज़ कन्वेंसिंग टोपा के हिसाब से गवर्नड है, और वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बेनिफिट की एसेंशियली बात करता है, राइट? हियर वी स्टॉप्ड, है ना। चलिए अब इसके आगे आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भाई तुम ऐसे मरे क्यों बैठे हो? सुबह चिल्ला दिया क्या मुस्कान मैम ने तुमको?
हाँ जी चलिए सॉर्टेड है या। अच्छा अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा फर्स्ट चैप्टर से जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर कोई टॉपिक है जिस पे इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे हैं, इट इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। सर कैसा क्वेश्चन आता है वो अपन जब ऑब्वियसली क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग सारी चीजें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसके आंसर्स किस तरीके से लिखना है। ठीक है देखते हैं जरा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग मतलब जब भी आप ड्राफ्ट करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट, सो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो यहां पर आपको बता रहे हैं। अच्छा अब जैसे यहां पर ना फाउलर्स फाइव रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग आपको बताया हुआ है, इनफैक्ट सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स है ड्राफ्टिंग के, दूसरा फाउलर्स फाइव रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब दोनों का मतलब जरा एक बार मतलब यहां पर समझते हैं। अच्छा अब जब भी आप कोई चीज ड्राफ्ट करते हो ना, तो कुछ चीजें हैं जो आपको यू नो प्रीडोमिनेटली ध्यान में रखनी होती है, अपने दिमाग में रखनी होती है, एंड देन व्हेन यू ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट मेक्स मोर सेंस। अच्छा कन्वेंशनली अनकन्वेंशनली आई डोंट नो, समहाउ आप जैसे अगर इंडियंस की बात करोगे, मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है। इनफैक्ट आप जब कोई नॉवेल पढ़ते हो है ना, आपने किसी इंडियन ऑथर की नॉवेल पिकअप की, आप लैंग्वेज देखना, यू नो दे वुड सर्टनली ट्राई टू यूज वेरी फैंसी वर्ड्स। मैं चेतन भगत की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। आप अमेरिकन ऑथर्स की बात करना, दे राइट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजीली अडेप्टिव, राइट, मतलब आपको समझने में बहुत तकलीफ नहीं आती है। यूरोपियन इंग्लिश थोड़ी सी अलग नोट पे चली जाती है, बट अमेरिकन इंग्लिश आई थिंक वी एज इंडियंस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ, मे बी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज। इंडियन ऑथर्स का पर्टिकुलरली देखना, समहाउ दे वुड यूज सर्टन वर्ड्स, कुछ इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि नॉर्मली जब कोई एक आम आदमी पढ़ता है, मेरे जैसा कोई इंसान पढ़ेगा, तो ही गेट्स स्टक एट सम वर्ड। मे बी हो सकता है आप शायद सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग समझ पाए, पर पीपल हु आर काइंड ऑफ पर्टिकुलर कि भाई उस वर्ड का मतलब क्या है, दे विल हैव टू रिजॉर्ट टू डिक्शनरी, उनको डिक्शनरी उठानी पड़ेगी जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। अब जैसे अच्छा द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, और परहैप्स द आइडिया ऑफ राइटिंग समथिंग, मैं प्योरली यहाँ पे राइटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जब भी आप किसी थॉट को लिखते हो, द आइडिया इज टू कम्युनिकेट, राइट, कि सामने वाली पार्टी को समझ में आ जाए आप क्या लिखना चाह रहे हो। सो इट इज नॉट टू इम्प्रेस समवन, राइट, आप उस ऑब्जेक्टिव से नहीं लिखते हो कि यार वो सुन के बड़ा अचंभे में रह जाएगा कि वाह भाई क्या धांसू इंग्लिश लिखी भाई, जो लिखा मेरे को 50% समझ में ही नहीं आया। तो अगेन इज दैट द पर्पज ऑफ लैंग्वेज, द आंसर इज नो, राइट, दैट वॉज नेवर द पर्पज, दैट वुड नेवर बी द इंटेंट इवन इन फ्यूचर, राइट। सो जब भी आप कोई चीज लिखते हो ना, ट्राई एंड राइट इट इन सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज, समथिंग विच इज वेरी इजिली अंडरस्टैंडेबल टू द अदर पार्टी, राइट, मतलब जो सामने वाला इंसान बहुत अच्छे से समझ पाए। सो यहां पर भी जो ये रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग है इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट यही है, प्रेफर द फेमिलियर वर्ड टू द फार फेच्ड वर्ड। अच्छा व्हाट डू मीन बाय फेमिलियर, समथिंग विच यू यूज वेरी कॉमनली, राइट। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस पर्सन इज हार्मलेस, राइट, हार्मलेस समझ में आ रहा है कि भाई मेरा नुकसान नहीं कर सकता, इज हार्मलेस, राइट। आपने बोला ही इज वेरी इनोक्यूअस, सामने बोलता है ही इज व्हाट, आपने बोला ही इज वेरी इनोक्यूअस, ओह कैन ही किल मी, तो आप बोले नहीं 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 वो कुछ नहीं कर सकता तेरा, हाँ तो ऐसा बोलना कुछ नहीं कर सकता, व्हाट डिड यू से, इनोक्यूअस, अरे तो एक्सक्यूज मी, बोलने की बात क्या, यू समथिंग विच इज वेरी सिंपल प्लेन एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल, राइट। अच्छा अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि यू डिसोबेड माई ऑर्डर, है ना, क्लास में अक्सर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं डिसोबेड। अब जब आप डिसोबेड बोल रहे हो, सिंपल है, समझ में आ रहा है, राइट, कि भाई उसने मेरे जो इंस्ट्रक्शन थे उसको फॉलो नहीं किया, आपने बोला अनहीडेड, तो अगेन अनहीडेड वापस थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वही अगर आप डिसोबे बोलोगे तो इंसान को एक ही मिनट में इमिडिएटली समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली आपका इंटेंट क्या है ना, बोलने का आपका पर्पस क्या है। सो फर्स्ट पहला रूल क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रेफर अ फेमिलियर वर्ड टू द फार फेस्ट वर्ड, समथिंग विच इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल, यूज दैट वर्ड इंस्टेड ऑफ अ वर्ड विच पीपल डोंट इवन रिकग्नाइज और अंडरस्टैंड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड
प्रेफर द कॉन्क्रीट वर्ड टू द एब्स्ट्रैक्ट. एक ही मिनट देना, मेरा सब सिस्टम का क्यों प्रॉब्लम आ रहा है. एक ही मिनट. हाँ जी. सेकंड, प्रेफर द कॉन्क्रीट वर्ड टू द एब्स्ट्रैक्ट, है ना, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज अ सिंपल सिंगल वर्ड, अगर इफ इट सर्व्स द पर्पस, इफ इट सर्व्स द मीनिंग, राइट, तो यूज अ सिंगल वर्ड इंस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या हो रहा है यार. एरर क्यों आ रहा है यार. पता नहीं, एनीवे मेरे इस पे सिस्टम पे एरर दिखा रहा है. आई थिंक यूट्यूब पे तो सही चल रहा है. ओके हाँ जी. सो आगे देखिए, प्रेफर द कॉन्क्रीट वर्ड टू द एब्स्ट्रैक्ट, है ना, मतलब अगर कोई सिंगल वर्ड पर्पस सर्व करता है सो डोंट यूज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अगर आप उसको एक सिंगल वर्ड में डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट्स ऑलवेज इजियर. नाउ सी, ऑल दीज थिंग्स कम्स विद अ लॉट ऑफ रीडिंग. अच्छा, जैसे प्रोफेशनल थोड़ा क्या अलग केस हो जाता है, बट नॉर्मली जब सी एस ई टी में स्टूडेंट्स आते हैं, फाउंडेशन में पहले आते थे या एग्जीक्यूटिव में स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हम लोग हमेशा ना उनको एक चीज़ सजेस्ट करते हैं. हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रीड. और रीड करने के लिए क्यों, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप कोई नॉवल पढ़ लो, वट एवर यू लाइक, वट एवर यू आर रियली कम्फर्टेबल विथ, राइट, वो पढ़ना चाहिए आपको. बिकॉज लैंग्वेज का अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, राइट, हर स्टूडेंट की दिक्कत रहती रहती है दैट दे के नॉट ईजिली अंडरस्टैंड, और इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, लिखने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है. अच्छा, अब इसमें सी, वट एवर द बैकग्राउंड्स हैव बीन टिल नाउ, राइट, नॉट दैट इट इज समथिंग विच इज नॉट वर्केबल. आप आगे भी चाहो तो इस पर काम कर सकते हो, और उसके लिए सबसे पहली चीज, सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये होती है दैट यू स्टार्ट रीडिंग. क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, यू डोंट टेंड टू डेवलप द लैंग्वेज, राइट. आप कोई अगर इंग्लिश मूवीज हैं, वॉच इंग्लिश मूवीज, मतलब हॉलीवुड मूवीज अगर आप देखते हो तो प्लीज डू दैट. इंग्लिश म्यूजिक अगर पसंद है तो वो सुनो. ये सब चीज़ें जब आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, राइट, सो धीरे 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 इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड दैट्स हाउ यू डेवलप लैंग्वेज. सर, बट इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग. सबसे पहले आप जब तक मतलब पढ़ना चालू नहीं करोगे ना, इट डज नॉट मेक सेंस. न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई अच्छी नॉवल आपको लगती है वो पढ़ लो, कोई बहुत बढ़िया आर्टिकल्स आपको लगते हैं वो पढ़ लो. फ़ोन पे आजकल तो खैर सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल है, इंटरनेट पे हर चीज़ बहुत कन्वीनियंटली अवेलेबल है. सो हम लोग ये बोलते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को आपको बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन करना हो, सो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड इट ओनली कम्स विथ रीडिंग, राइट. सो रीड एज मच एज पॉसिबल. सो प्रेफर द कॉन्क्रीट वर्ड टू द एब्स्ट्रैक्ट. थर्ड देखिए, प्रेफर द सिंगल वर्ड टू द सर्कमलोक्यूशन. आई थिंक मोर लेस सेम सेकेंड थर्ड. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेफर द शॉर्ट वर्ड टू द लॉन्ग. यार मैं पता नहीं समहाउ जब भी ये कंपनीज की बात आती है ना, एक वर्ड हमेशा मेरे को दिमाग में आता था, और जब भी पहले ये वर्ड मैं बैरक में पढ़ता था मैं एक्चुअली घबरा जाता था, नॉट विथ स्टैंडिंग. मतलब क्या है कि आपने अभी तक पूरा सेक्शन पढ़ा, 6 सब सेक्शंस पढ़ लिए, नीचे 7वें सब सेक्शन में लिखा हुएगा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट, राइट. तो अब तक जो भी तूने पढ़ा सब बकवास था, मजाक था, उसका कोई सेंस नहीं है. वॉट मेक सेंस नाउ जो तू अब पढ़ रहा है, राइट. सो मतलब ये पर्टिकुलर प्रोविजन, ये पर्टिकुलर क्लॉज, ये पर्टिकुलर सबसेक्शन ओवररूल करेगा जो तूने ऊपर 6 सब क्लॉजेस पढ़े उससे ज्यादा. तो अब नॉट विथ स्टैंडिंग, राइट, मतलब यू हैव टू गिव मीनिंग टू व्हाट यू आर रीडिंग नाउ, राइट. सो
use something which is very simpler एंड शॉर्टर. पर्पस अगेन, सी यहां पर जितनी भी बातें लोग आपको बता रहे हैं ना, उन सबका मेन पर्पस क्या है, उसका लॉजिक क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपका आइडिया है दैट यू आर एबल टू कन्वे टू द अदर पार्टी, राइट. मतलब किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, फिर वो ओरल हो, रिटन हो, किसी भी फॉर्म में कोई भी कम्युनिकेशन हो, उसका हमेशा मेन पर्पस, अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट आप दूसरी पार्टी को कन्वे करना चाहते, कन्वे कर पा रहे हो कि आप चाहते क्या हो, राइट. क्या एक्सप्रेस करना आप चाहते हो, राइट. सो प्रेफर द शॉर्ट वर्ड टू द लॉन्ग, प्रेफर द सैक्सन वर्ड्स टू द रोमन. रोमन खैर हम लोगों ने कभी पढ़े ही नहीं, हम लोगों ने सिर्फ रोमन नंबर्स पढ़े, तो अपने को इसके बारे में पता ही नहीं है. सो वट यू डू नाउ इज एब्सोल्युटली नॉर्मल सैक्सन वर्ड्स. अच्छा, ऑलवेज प्रेफर एक्टिव वॉइस ओवर पैसिव वॉइस, है ना. मतलब यूज डायरेक्ट स्पीच इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. माई नेम इज विकास, साउंड सिंपल, विकास इज माई नेम इज यू नो पैसिव. सो पैसिव की जरूरत नहीं, यूज एक्टिव स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, दैट ऑलवेज साउंड बेटर. बाप रे, पता नहीं यार, इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, मेरे फोन में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, थ्रो ही नहीं आ रहा है इस पे यार. पता नहीं, चलो एनीवे. हाँ जी. सो यार, ये कुछ फाउलर्स के 5 रूल्स थे ड्राफ्टिंग के. उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, स्केच और स्कीम ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट. स्केच और स्कीम ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट. अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है? अच्छा सी, जब भी कोई चीज आप बनाते हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक लेआउट होता है ना. अब आपने अभी तक क्या बनाया? मेरे ख्याल से एग्जीक्यूटिव में आपने अभी तक रेजोल्यूशंस बनाए, है ना, अगर मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ड्रॉ किए, बैलेंस शीट देखी, आपने पीएनएल देखे, राइट. अच्छा, उसके अलावा लास्ट लास्ट में अभी वो अग्रीमेंट का एक फॉर्मेट आपके इसमें ऐड कर दिया था, आई डोंट नो वाई, बट वो एक दो अग्रीमेंट्स आप लोगों ने देखे हैं असाइनमेंट वाले, राइट. तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने, अच्छा उसके अलावा आपने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं. आंसर्स में भी आपने अलग अलग, वो कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपने अलग से लिखे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपने अलग से लिखे हुए हैं. उसके बाद क्या बोलते हैं, जो केस लॉज हैं आपके, केस स्टडीज है, उसके आपने आंसर अलग तरीके के आंसर्स लिखे हैं, राइट. नोटिसेस बनाए आप लोगों ने, या ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने ड्रॉ किए. अच्छा, इज देयर अ फॉर्मेट विच इज डिफरेंट फॉर एवरीथिंग, राइट. मतलब हर चीज का एक अलग अलग फॉर्मेट है. रेजोल्यूशन का फॉर्मेट अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट अलग है, अग्रीमेंट का फॉर्मेट अलग है, आंसर्स का फॉर्मेट अलग है. सो यहाँ पे बोलने का पर्पस क्या है? स्केच और स्कीम ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, एटलीस्ट उसका फॉर्मेट आपके दिमाग में क्लियर हो कि एग्जैक्टली किस स्ट्रक्चर में आपको बनाना है. अब जैसे नोटिस आप जब बनाते हैं, यू राइट द डेट, यू राइट द नेम ऑफ द एड्रेसी, आप किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस आप लिखते हो प्रॉपरली, राइट. सब्जेक्ट लिखते हो, फिर उसकी बॉडी आती है, नीचे हम लोग साइन करते हैं, तो देर इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, राइट. उसमें हम लोग वो चीज लिखते हैं. रेजोल्यूशन में आप डायरेक्टली रेजोल्यूशन से स्टार्ट करते हो, है ना, ऊपर वो ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए अपन लिखते हैं कि टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, बट एनी वे इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन सिंपली अपन रेजोल्यूशन ड्रॉ करते हैं, रिजॉल्व दैट, और पूरा हम लोग रेजोल्यूशन लिख मारते हैं वहां पर, राइट. सो स्केच और स्कीम का मतलब क्या है कि एटलीस्ट वो जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपको आपका कंटेंट फिट करना है, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. अगर वो ही क्लियर नहीं है तो फिर आप कंटेंट ठीक तरीके से प्लेस ही नहीं कर पाओगे. सो सेकंड इज स्केच और स्कीम ऑफ द डॉक्यूमेंट. थर्ड, स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट्स सेल्फ अप्रेजल. स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट्स सेल्फ अप्रेजल मतलब एक बार आपने वो ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर आपने बना लिया, उसके बाद उसका जो कंटेंट था वो सब आपने पूरा के पूरा प्रॉपरली कंटेंट लिख लिया, फिर सेल्फ अप्रेजल. सेल्फ अप्रेजल मतलब आप खुद उसको रिव्यू कर रहे हो कि जो भी आपने लिखा है वो सब सही लिखा है, नहीं लिखा है, एंड डज इट सर्व द पर्पज, डज इट मेक सेंस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू राइट डायरीज हियर, बट पीपल हु राइट डायरीज दे हैव वेरी कॉमनली एक्सपीरियंस दिस. मतलब मैं पहले लिखता था, बाद में मैंने आई स्टॉप डूइंग दैट, आई डोंट नो वाई. अब जैसे 11, 12, 13, 14, इनफैक्ट ये इन सालों में मैंने बहुत डायरी लिखी भर भर के, तो मज़ा आता था. और कुछ मेरे पास रखी हुई, कुछ तो मैंने ट्रैश कर दी थी. अब जब मैं, व्हेन आई लुक बैक एंड यू नो व्हेन आई रीड दोज डायरीज,
आई फाइंड इट फनी ऑनेस्टली. उस वक्त जो मेरी उस वक्त की इंग्लिश थी, तो आई थिंक मुझे उस वक्त लगता था कि भाई ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा अपने को आती भी नहीं, और इससे ज़्यादा आई थिंक मेच्योरिटी भी नहीं थी. अब जब मैं आज पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इसको ना इस तरीके से लिखा होता था आई थिंक और बेटर होता. मतलब दिस साउंड्स वेरी फ्लैशी. तो आप जब आपका ही पुराना कोई ड्राफ्ट पढ़ते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ मज़ा नहीं आया उसमें. यू नो, कोई भी आपने अपने खुद से कुछ चीज़ लिखी होगी, आई एम श्योर सब लोगों ने लव लेटर्स लिखे होंगे, और इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट लव लेटर्स. लव लेटर्स मे बी फिजिकली आपने शायद ना लिखे हो, एटलीस्ट व्हाट्सएप पे लंबे लंबे मैसेजेस जरूर भेजे होंगे. वो ग्रीटिंग कार्ड से बहुत अच्छा होता है यार. वो ग्रीटिंग कार्ड इज सच शिट मैन. आई डोंट नो कोई ग्रीटिंग कार्ड क्यों देता है किसी को. ग्रीटिंग कार्ड में ऑलरेडी वो फीलिंग्स किसी और ने लिखी हुई है, इमोशंस है, ऊपर आपने बस प्रेमिका और नीचे प्रेम और वैसे करके, और वो ग्रीटिंग कार्ड सामने वाले को थमा दिया. मतलब उससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती यार. यू शुड नॉट डू दैट. या तो लिखो ही मत, और अगर लिख रहे हो तो खुद, अगर आप सच में फील करते हो तो खुद से कुछ लिख लो यार. मतलब वो ग्रीटिंग कार्ड देने का तो मुझे पता नहीं कोई सेंस लगता नहीं है. तो अगर आपने कभी लेटर्स लिखे होंगे, राइट, सो अभी वो लेटर्स आप पढ़ना, अगर आपके पास रखे होंगे छुपा उपा के कहीं पे, तो आप उसको पढ़ना, आपको खुद को हंसी आ जाएगी कि यार क्या कॉमेडी लिखा है मैंने. इनफैक्ट आपने एक हफ्ते पहले अगर कुछ लिखा होगा ना, उसको आप आज पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें लगेगा कि कोई चेंजेस की ज़रूरत है. तो सेम थिंग अप्लाइज हियर इज वेल, कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, जो भी ड्राफ्ट आपने बनाया है, उसको सेल्फ अप्रेज करो. सेल्फ अप्रेज मतलब आप खुद उसको पढ़ के रिव्यू करो, उसका कंटेंट की वेरासिटी चेक करो कि भाई जो आपने लिखा है वो सब ठीक ठाक है या नहीं है, राइट. इस स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इस सेल्फ अप्रेजल. आगे, स्पेशल अटेंशन टू बी गिवन टू सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अच्छा, अब जैसे रेजोल्यूशन जब आप बनाते हो, सो उसमें फॉर्म नंबर्स आ जाते हैं आपके, राइट, या सेक्शन नंबर्स आ जाते हैं आपके. उसके बाद अब जैसे लिस्टेड कंपनी है, तो LODR के प्रोविजंस उसको एप्लीकेबल होते हैं. तो स्पेशल अटेंशन मतलब क्या है? कि अगर उस डॉक्यूमेंट की, उस ड्राफ्ट की अगर कोई पेक्यूलियरिटी है, राइट, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट, सो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन दैट पार्ट इज वेल. ओके, आपने सपोज कोई मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाया है, राइट, तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स में नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ये सब चीज़ें लिखी हुई है. तो मतलब उसका फॉर्मेट ऑलरेडी है, राइट. उसके बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, गूगल पे बहुत सारा कंटेंट आपको उसके ऊपर मिल जाएगा. सो मेक श्योर जो आपकी नीड फुलफिल करता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड की है, राइट. आर्टिकल्स बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एंड नोटिस बनाने का एक तरीका होता है. सो स्पेशल अटेंशन मतलब अगर कोई लीगल पॉइंट है, कोई लॉ पॉइंट है विच यू मे मिस, सो मेक श्योर दैट आपने वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर कवर की है. लास्ट इज एक्सपर्ट्स ओपिनियन. गेट इट वेट इट मतलब आप किसी ऐसे इंसान को दिखाओ जिसको उस चीज के बारे में अच्छा नॉलेज है, सो दैट अगर कोई गलतियां हैं तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए बिफोर यू सबमिट इट टू सम रेगुलेटरी अथॉरिटी, मे बी टू योर स्टेक होल्डर्स. इज वॉट यू मीन बाई एक्सपर्ट्स ओपिनियन. सो ऑल दीज आर द थिंग्स विच आर टू बी केप्ट इन माइंड जब भी आप कोई ड्राफ्ट बनाते हो, राइट. इसके ऊपर मैंने जैसा आपको बताया, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो यही है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इन द पास्ट. चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं डूज एंड डोंट्स. अच्छा, अब मैं ना पर्टिकुलरली आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे खैर अब जब आप रेगुलर बैच करेंगे, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द लेक्चर्स. सो ना, मैंने इसमें फर्स्ट चैप्टर में ना ये सारी की सारी चीज़ें छुड़वाई है, ठीक है. मतलब डूज एंड डोंट्स, उसके बाद कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ डीड, ये सब मैंने आपको रेगुलर बैच में भी यही बोला हुआ है कि इसको अभी मत पढ़ना, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे. बाद में कब पढ़ेंगे? जब आपका एक बार कमर्शियल ड्राफ्टिंग हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद फिर आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे ना, दैट वुड मेक सेंस. मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों. एक ड्राफ्ट आपको दिखाता हूँ. नाउ दिस इज चैप्टर 4, है ना. अब इसमें ना ये आपका एक अग्रीमेंट है जैसे, ठीक है, ये अपन कल बनाएंगे वैसे. ये एक अग्रीमेंट है यहाँ पर, ओके. अब देखो इसका एक फॉर्मेट है. ये ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल डीड लिखा हुआ है, उसका टाइटल है. फिर यहाँ पर आपने ये डेट लिखी हुई है ना, प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है, बाय एंड बिटवीन. फिर आपने दोनों पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, ए और बी. ए और बी को हम लोगों ने डिफाइन किया एज सेलर एंड एज बायर. उसके बाद ये वेर एज करके बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है. फिर
जो भी वेरेज वेरेज में लिखा हुआ है इसको हम लोग रिसाइटल्स बोलते हैं। उसके बाद फिर आपने ये यहाँ से पॉइंट नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं ये सब इसकी मेन बॉडी है, जो ड्राफ्ट आप बना रहे हो उसकी मेन बॉडी है। ओके अच्छा, एक बार ये बॉडी पूरी कंप्लीट हो रही है उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो एक शेड्यूल बनाया हुआ है ना। फिर बाद में ये स्टैंडर्ड, आपने अगर कोई रियल लाइफ में अग्रीमेंट देखा होगा तो इन विटनेस वेर ऑफ बोथ द पार्टीज हियर टू हैव जॉइंट द रिस्पेक्टिव हैंड्स टू गिव इफेक्ट टू दिस सॉरी टू दिस अग्रीमेंट, इस तरीके से स्टैंडर्ड है हम लिखते हैं। और नीचे फिर दोनों पार्टीज का साइन है, दोनों पार्टीज मतलब कौन सी पार्टीज है, दोनों जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वो। अब ये ना पूरा एक फॉर्मेट है। ओके अब जो मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर में बता रहा हूँ ना, नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट, फॉर्मल पार्ट, अभी मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको याद करना पड़ेगा, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसा दिखता है। वो ही जब आप ड्राफ्ट बनाने के बाद, है ना, आपने 20-30 ड्राफ्ट लिख लिए खुद से, उसके बाद जब आप वापस ये सब चीज़ें देखोगे ना, सो दैट वुड मेक सेंस टू यू। ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, एकदम प्लेन लगेगा, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली देखी हुई है ना। अब जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्शन और नेम ऑफ द डीड, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मतलब ये ऊपर जो टाइटल आपको दिया हुआ है ना, सेल डीड, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, और नेम ऑफ द डीड है ना, सेल डीड है। तो अब जब आपने ड्राफ्ट बनाया होगा ना तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट डज दैट मीन। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत सिंपल लगेंगे, अभी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको याद करना पड़ेगा। बाद में ऐसा है कि आपको सिर्फ देखना है, हाँ ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, मेरे को पता है, वो डिफरेंस है। राइट, डेट एंड प्लेस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, राइट। अभी जैसे यहाँ पर आप देखो, ये दिया हुआ 9th डे ऑफ दिसंबर 2014 एट पुणे, सो डेट और प्लेस दोनों के दोनों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई ऑपरेटिव पार्ट क्या होता है, नॉन ऑपरेटिव पार्ट क्या होता है, और फॉर्मल पार्ट क्या होता है ना। सो मेरे हिसाब से इसको अभी मत पढ़ना, ये आप कब पढ़ोगे, ये हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर वी हैव रिटन सर्टेन ड्राफ्ट्स, राइट। उसके बाद फिर आप ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ोगे। सो अभी ये कुछ भी आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ तक ये इंटरप्रिटेशन वगैरह ये सब कुछ आपने छोड़ देना है, बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ डीड्स यहां से पढ़ना है, मतलब इन शॉर्ट लास्ट के 2-3 पेजेस ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके यहां तक सब छोड़ दो, सप्लीमेंटल डीट तक अपने को अभी नहीं पढ़ना है। ये कब पढ़ेंगे, जब हम लोगों ने कुछ ड्राफ्ट बना लिए होंगे उसके बाद फिर ये सब चीजें देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। ये छोड़ना नहीं है भाई, एग्जाम में आता है उसके ऊपर क्वेश्चन, बस ये कि अभी नहीं पढ़ना, उसको बाद में पढ़ना है। चलो बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ डीड्स अब ये चेक करते हैं। सबसे पहला डीड, डीड और कॉन्ट्रैक्ट में यार कोई डिफरेंस नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, डीड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अभी आप बोलोगे सर अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में तो डिफरेंस है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है ना, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज टू, इन दो से शुरुआत करते हैं। अच्छा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ा हुआ है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन शॉर्ट कोई भी अग्रीमेंट है, अगर इस अग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए सो ऑटोमेटिकली दिस रिजल्ट्स इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। सो एनी अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, सो इट हैज द इफेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, और जैसे ही आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हो, उसको आप एविडेंस के फॉर्म में यूज कर सकते हो, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, टाइटल से फर्क नहीं पड़ता, आपने वर्ड अग्रीमेंट यूज किया, आपने वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज किया। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कोई सेल डीड है ना, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, दो पार्टीज ने आपस में सेल डीड बना ली। कैसे बनाई, जैसे मान लो मेरे को कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, मैंने प्रॉपर्टी सपोज यहां पे सेजल को सेल कर दी, दो पार्टी से मैं हूं, वो सेजल है। अब हमने क्या किया, एक प्लेन पेपर लिया और प्लेन पेपर पे ऐसे मैंने सब कुछ लिख दिया कि भाई मैंने प्रॉपर्टी आज की डेट से सेजल को दे दी है, नीचे मैंने साइन कर दिया, सेजल ने भी साइन कर दिया और उसमें अमाउंट लिखा हुआ था, मैंने सेजल से पैसे ले लिए, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, मैंने सेजल से 1 करोड़ रुपए ले लिए और मैंने इसको बोला कि आप कल आना और चाबी ले जाना। तो सेजल नेक्स्ट डे आई, बढ़िया मंदिर अंदर जाके तिलक तिलक लगा के और एकदम खुश होके ढोल ताशे लेके आई है, बिल्कुल पूरे गांव वाले 25-50 लोग, 5-7 ट्रैक्टर है, सब इकट्ठे लोग आ गए चाबी लेने के लिए। तो जैसे ही आते हैं और ये सेजल बोलती है कि चाबी दे दो, मैंने बोला कौन सी चाबी, बोलती घर की चाबी, मैंने कौन सा घर, तो बोले कल खरीदा ना मैंने, मैंने बोला नहीं ये तो मेरा है। सेजल बोलती प्रूफ है मेरे पास, ये अग्रीमेंट है, इसके ऊपर आपने मैंने साइन किया है,
और ये आज से घर मेरा है। मैंने बोला नहीं, मैंने कोई साइन वाइन नहीं किया, वो तो आपने खुद ने फोर्स कर लिया। तो सीजल बोलती नहीं 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 ये वो, और बहुत झगड़ा करें। मैंने बोला यार जो बनता है कर लेना। तो सीजल बोलती मैं आपको स्यू कर दूँ। मैंने बोला जा कोर्ट में। अब सीजल गई कोर्ट में। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो डॉक्यूमेंट है, क्या कोर्ट इस डॉक्यूमेंट को एडमिट करेगी एज एन एविडेंस? ये डॉक्यूमेंट जो सेजल कोर्ट में लेकर गई है, राइट, इस डॉक्यूमेंट को क्या कोर्ट एडमिट करेगी एज एन एविडेंस? सिंपल सा क्वेश्चन। नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, है ना? दिस के नॉट बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। क्यों? उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी था, आपने नहीं करवाया। उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी थी, आपने नहीं पे किया। आपने उसको सिंपल एक प्लेन पेपर पे लिख दिया और आपने साइन कर दिया, राइट? इसकी कोर्ट में एडमिसिबिलिटी नहीं है, राइट? ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबिलिटी नहीं है। ये जो अभी डॉक्यूमेंट आपने बनाया ना, दिस एसेंशियली इज एन अग्रीमेंट बट इट डज नॉट रिजल्ट इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये अग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी कोर्ट में एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं। आप उसको कोर्ट में एज एन एविडेंस के फॉर्म में यूज ही नहीं कर सकते हो, राइट? अच्छा, फिर सेजल को समझ में आया, शी वेंट ऑन टू गुड लॉयर। लॉयर ने बोला कि भाई इसको हम लोग प्रॉपरली रजिस्टर करवाएंगे और इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे और फिर इसकी हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो सब आपने पूरी की, और अब उन सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद अब आप वापस से कोर्ट में जाते हो और कोर्ट में बोलते हो कि भाई ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये सिविल मैटर तो है ही है, साथ में क्रिमिनल मैटर भी, इसको अंदर करो, राइट? क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप बन गया? यस, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट? सो सी, बहुत जगह ना आप ऐसे टाइटल में वर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखते हो, बहुत जगह वर्ड आप अग्रीमेंट देते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट का नाम ही यही है, हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट। उसको हम बोलते ही हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट। जब आप बोल रहे हो ना उसको हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको कोर्ट में एविडेंस के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते और इट इज इनएडमिसिबल, राइट? सिर्फ टाइटल में अग्रीमेंट आ गया डज नॉट मीन, सिर्फ टाइटल में अग्रीमेंट आ गया डज नॉट मीन इट इज नॉट एनफोर्सेबल। इट इज स्टिल एनफोर्सेबल। आपको सिर्फ क्या इंश्योर करना है, आपको क्या चेक करना है कि भाई क्या जो रिक्वायरमेंट्स है लॉ की, क्या आपने वो फुलफिल किया नहीं किया। तो भले ही टाइटल में वर्ड अग्रीमेंट लिखाओ, लेकिन फिर भी इसका इसका फॉर्म किसका है? कॉन्ट्रैक्ट का है, अगर आपने सारी लीगल रिक्वायरमेंट, सारी लीगल कंडीशन फुलफिल की है तो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सुना, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, आप टाइटल में वर्ड अग्रीमेंट यूज करो, आप कॉन्ट्रैक्ट यूज करो, आप डीड यूज करो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स वन एंड द सेम। इट्स जस्ट दैट आपको ये समझना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स लॉ की फुलफिल की है नहीं की है। अगर की है तो उसका इफेक्ट बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही है, अगर नहीं की है तो उसका इफेक्ट हमेशा अग्रीमेंट का होगा। क्लियर है? आमिर, वन थ्री एट वन एट फोर, 8184। चल, हाँ जी। सो आई होप ये समझ में आ रहा है अपने को कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस क्या है ना? सो जहां पर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है वो हमेशा क्या कहलाएगा? अग्रीमेंट। ठीक है, अब चलिए यहां पर पढ़ना स्टार्ट करना मेरे साथ। डीड, सबसे पहला डीड। नो, व्हाट इज अ डीड? सो दे सेइंग अ डीड इज अ राइटिंग ऑन पेपर, वैलम और पार्चमेंट। अच्छा, वैलम पार्चमेंट क्या होते हैं? पुराने जमाने में वो संदेशे चलते थे, राइट? उसको वैलम पार्चमेंट बोलते हैं। आज के टाइम में नहीं होती सब चीज़ें, है ना? सो अपने आजकल जो भी आप लिखते हैं पेपर पे ही लिखते हैं, है ना? और किसी और चीज़ पे हम लोग नहीं लिखते। सो पेपर, वैलम और पार्चमेंट, सील्ड एंड डिलीवर्ड, राइट? सील्ड मतलब आपने उसको साइन किया है और आपने उसको दूसरी पार्टी को डिलीवर कर दिया फॉर देयर सिग्नेचर्स, राइट? वेयर बाय एन इंटरेस्ट, राइट और प्रॉपर्टी पासिस और एन ऑब्लिगेशन बाइंडिंग ऑन सेम पर्सन ऑन सम पर्सन इज क्रिएटेड और विच इज इन अफर्मेंस ऑफ सम एक्ट वेयर बाय एन इंटरेस्ट, राइट और प्रॉपर्टी हैज बीन पास्ड, राइट? मतलब या तो आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर चुके हो या फिर उसके थ्रू इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके थ्रू ट्रांसफर होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
1 3 3 2 4 5 2 4 5 ठीक है। सो व्हाट इज अ डीड? डीड भी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू मतलब जिसको एक पार्टी ने एग्जीक्यूट किया, दूसरी पार्टी को दे दिया आपने साइनिंग के लिए, और उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट, पोजेशन या बेनिफिट दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं डीड। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये ना दो वर्ड्स हैं, पहला डॉक्यूमेंट और दूसरा इंस्ट्रूमेंट। ये ना बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों सुनना। डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट हेलो सर, मैं आ गई, याद है क्या? शूटर ट्री। भाई नाम इतना धांसू रखा हुआ है आपने, मुझे कैसे ध्यान रहेगा यार, आई डोंट नो। हाँ जी, अब डॉक्यूमेंट क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? अ पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अ डॉक्यूमेंट। सिंपल, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? किसी पेपर पे कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट है। अच्छा, व्हेन डज दैट डॉक्यूमेंट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कब वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, अब ये समझते हैं। सो डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी पेपर पे आपने कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखी है उसको आप डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कब बन जाता है वो? व्हेन दैट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड, है ना, व्हेन दैट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड। सो वर्ड इंस्ट्रूमेंट आया है स्टैम्प एक्ट से, इंडियन स्टैम्प एक्ट से आया हुआ है, और वो डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ऑन विच इज लाइबल टू बी स्टैम्प, मतलब जिसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, सो उसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, उसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। रिलेटेड टू ऑफिशियल, नहीं पता भाई मेरे। अच्छा, अब जैसे मुझे आप एक सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स दीजिएगा, मैं आपको पूछता हूँ, मुझे बताइए इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। अब मान लीजिए ये आपने एक पेपर लिया और इसके ऊपर आपने एक नोटिस बनाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये डॉक्यूमेंट है? आप बोलोगे येस इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। मैं आपसे पूछता हूँ क्या इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट लाइबल टू बी स्टैम्प्ड, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी आपको। अच्छा, फिर आपने एक और पेपर लिया, इसके ऊपर आप मान लीजिए आपने एक रेजोल्यूशन बनाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये डॉक्यूमेंट आपने जो बनाया है और परहैप्स जो रेजोल्यूशन आपने बनाया, क्या ये डॉक्यूमेंट है? आप बोलोगे येस। क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? आप बोलोगे नहीं। अच्छा, थर्ड, मैंने सपोज एक सेल डीड बनाई, एक सेल डीड बनाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सेल डीड क्या डॉक्यूमेंट है? आप बोलोगे हाँ। क्या इंस्ट्रूमेंट है? येस, है ना। सो जब आप कोई सेल डीड बना रहे हो, अच्छा दिस इज पर्टेन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल डीड है, इज इट लाइबल टू बी स्टैम्प्ड? येस। सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना है, दैट क्वालिफाइज टू बी एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। सो डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, बट इंस्ट्रूमेंट सिर्फ वही डॉक्यूमेंट कहलाता है विच इज लाइबल टू बी स्टैम्प्ड एज पर स्टैम्प एक्ट, है ना, जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। अच्छा, अब जैसे आपने स्टैम्प एक्ट में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है? इमूवेबल के जब आप ट्रांसफर करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, राइट। ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन है ना लोगों के दिमाग में। लोग बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल ही नहीं है। यार ऐसा नहीं है कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी हर ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टाइटल इंटरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, राइट। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, उसके बेनिफिट्स अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, इट इज लाइबल टू बी स्टैम्प्ड। ये कार्डिनल रूल है, ये थंब रूल है, दिस के नॉट बी चेंज, राइट। मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी करनी है। इट इज जस्ट दैट स्टैम्प ड्यूटी ऑन मूवेबल प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट बाय द इंडियन स्टैम्प एक्ट, राइट, उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अच्छा, सो दो अलग अलग चीजें हैं। सी, एक होता है नॉन एप्लीकेबिलिटी, एक होता है नॉन एप्लीकेबिलिटी और दूसरा होता है एग्जेम्प्शन।
सो अगर मैं आपसे पूछूं कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर क्या स्टैंप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल, राइट? इट इज एप्लीकेबल, इट इज जस्ट दैट इट इज एप्लीकेबल बट इट इज एग्जेम्प्ट बाय द एक्ट. मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट किया हुआ है. उसका ये मतलब नहीं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली, इट इज एप्लीकेबल बट एग्जेम्प्ट. ठीक है. सो कोई भी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट अगर आप ट्रांसफर करते हो, कोई भी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट अगर आप ट्रांसफर करते हो, इट इज लाइबल टू बी इंटरेस्ट, मतलब स्टैम्प्ड. अब बस आपको वो देखना है शेड्यूल, जब आप चेक करते हो तो शेड्यूल में आपको ये देखना है कि उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कितनी है और एप्लीकेबल है या फिर एग्जेम्प्ट है. तो यहां पर स्टैम्प ड्यूटी आपको एग्जेम्प्ट की हुई है. ठीक है. सो व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट? डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि भाई अ पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अ डॉक्यूमेंट. व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट? जैसे ही वो डॉक्यूमेंट एलिजिबल होता है फॉर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, इट इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. वो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. आई होप दिस इज क्लियर, है ना, कि डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस क्या है. चलो, सो वी जस्ट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके पहले हम लोगों ने डीड पढ़ा. अब देखो कौन कौन सी तरीके की डीड्स होती है. ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है. फर्स्ट दे सेइंग अ गुड डीड. अच्छा, अब ये वर्ड ना हम लोग कभी यूज़ नहीं करेंगे लैंग्वेज में, या फिर जब भी हम लोग लिखेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, हम लोग ये वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे. सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है? गुड डीड. सो ये बोल रहे गुड डीड वो होती है विच कन्वेज अ गुड टाइटल, विच कन्वेज अ गुड टाइटल. मतलब सामने वाली पार्टी को एक क्लीन और क्लियर टाइटल मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुड डीड, है ना. सेकेंड, अ गुड एंड सफिशियंट डीड. सेकेंड इज वॉट? अ गुड एंड सफिशियंट डीड. सो मतलब क्या है? मार्केटेबल है. मार्केटेबल है मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, अब आपके पास फुल राइट है कि आप जब चाहो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो. उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई कंडीशंस नहीं है. ओके, तो उसे हम बोलते हैं गुड एंड सफिशियंट डीड. मतलब मार्केटेबल है, मतलब आप भी उसको फर्दर ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए. इज अ गुड एंड सफिशियंट डीड. थर्ड देखिए, इंक्लूसिव डीड. आज की डेट में हर डीड इंक्लूसिव होती है. जैसे अब जब आप लैंड खरीदते हो तो मैप आता है प्रॉपर्टी के साथ, है ना. उस मैप में सब कुछ लिखा होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी कहाँ से कहाँ तक है. उसमें फेंसिंग की होती है, उसमें सब कुछ वो ड्रॉ किया होता है, राइट? गट नंबर होते हैं आपके, ब्लॉक नंबर होते हैं, सेक्टर नंबर होते हैं, सब कुछ आजकल चीज़ें लिखी होती है ताकि एटलीस्ट फ्यूचर में उन सब चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट ना हो, राइट? सो इंक्लूसिव डीड वो डीड होती है जिसमें आपने प्रॉपर्टी को बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है और आप किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव डीड. आगे लेटेंट डीड. आई एम सॉरी बट आई हैव नेवर अंडरस्टूड द पर्पज ऑफ दिस. ये बोल रहे हैं कि 20 साल से जो किसी आदमी की तिजोरी में रखी हुई है उसको बोलते हैं लेटेंट डीड. आई डोंट नो क्या किया उसने 20 साल अपने पास रख के, बट जो पिछले 20 साल से डीड आपके पास रखी हुई है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हुए हैं, वो सब आपकी लेटेंट डीड है. नेक्स्ट, प्रिटेंडेड डीड. प्रिटेंडेड मतलब समथिंग विच इज वैलिड, है ना. प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है कि कोई डीड जो वैलिड है आज की डेट में, उसे हम बोलते हैं प्रिटेंडेड डीड. अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट अब जो आगे आप पढ़ोगे ना, डीड पूल, डीड पॉल और डीड एस्क्रो, ये तीन ही मेन है जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चंस भी आए और आगे भी हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, राइट? डीड पूल. डीड पूल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक अग्रीमेंट है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल एक मॉर्गेज डीड है. मॉर्गेज डीड में दो पार्टीज होती है, ए बी. अभी एक हो गया मॉर्गेजर, एक हो गया मॉर्गेजी, ठीक है. सो मॉर्गेज डीड है, दो पार्टीज है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी, ठीक है. अब इसमें कितनी पार्टीज है? दो पार्टीज. सो इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज बनेगी? दो कॉपीज बनेगी. जितनी पार्टीज इतनी कॉपीज, ओके, जितनी पार्टीज इतनी कॉपीज. स्टैम्प ड्यूटी एक ही पे करनी है, बाकी सब सर्टिफाइड कॉपी होगी, ओके. मतलब प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट एक ही होगा, बाकी सब एंसिलरी होंगे. सो जितनी पार्टीज इतनी कॉपीज, इसको हम बोलते हैं डीड पूल. उसको आप क्या बोलते हैं? डीड पूल. अच्छा, दूसरा एक और होता है डीड पॉल. दूसरा एक और होता है डीड पॉल. डीड पॉल का मतलब क्या होता है? सिंगल पार्टी एग्जीक्यूटिंग द सेम. डीड पॉल का मतलब क्या होता है? सिंगल पार्टी एग्जीक्यूटिंग द सेम. पावर ऑफ अटर्नी.
पारा फटर्नी आप दूसरी पार्टी को देते हो, उसमें दूसरी पार्टी का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, उसका सिग्नेचर नहीं होता है। विल, वसीयत, वसीयत जब आप लिखते हो तो आप अपनी इच्छा से लिखते हो, सामने वाली पार्टी का आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स बेसिकली डीड पॉल कहलाते हैं, है ना, मतलब जिसमें एक ही पार्टी होती है जो उसको साइन करती है। डीड पूल कम से कम दो पार्टीज होती है, और जितनी पार्टीज होती है इतनी उसकी कॉपीज होती है। डीड पॉल मतलब क्या होता है, सिंगल पार्टी उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करती है, उसे हम बोलते हैं डीड पॉल। थर्ड होता है डीड एस्क्रो। यू एस सबमिटेड टू ब्रोकर, करेक्ट। डीड एस्क्रो, डीड एस्क्रो का मतलब क्या होता है, सपोज या आप ऐसा समझो, डीड एस्क्रो मतलब अगेन मल्टीपल, है ना, डीड एस्क्रो भी यहां पर मल्टीपल है। देखो जरा, आपने एक पार्टी ने उसको बनाया और आपने उसको डिलीवर किया टू दी अदर पार्टी, ठीक है। एक पार्टी ने उसको साइन किया, और जैसे ही आपका साइन हो गया आप उसको दूसरी पार्टी को भेजोगे साइन करने के लिए। तो आपने उसको दूसरी पार्टी को भेज दिया साइन करने के लिए, अभी तक दूसरी पार्टी ने साइन किया नहीं है। तो जब तक दूसरी पार्टी ने साइन नहीं किया, इट इज कॉल्ड एज डीड एस्क्रो। एक बार दूसरी पार्टी ने साइन कर दिया, फिर वो इट बिकम्स अ नॉर्मल डीड, है ना, मतलब वो डीड बन जाती है। सो डीड एस्क्रो मतलब क्या होता है, एक पार्टी ने साइन किया, दूसरी पार्टी को आपने भेजा है साइन करने के लिए, लेकिन अभी तक दूसरी पार्टी ने साइन किया नहीं है, सो उसे हम बोलते हैं डीड एस्क्रो। अच्छा, अब इसमें ना दो वर्ड्स है, इंडेंचर और साइरोग्राफम। यार ये पहले के ज़माने में सब पागलपन चलता था, है ना, इंडेंचर और साइरोग्राफम। अच्छा, जब साइन वगैरह का रेलेवेंस नहीं होता था ना, तब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, अब इसका कोई सेंस नहीं है। चलो ठीक है, ये मेरे पास जैसे एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मान लो ये कोई अग्रीमेंट है। अब मैं और संभव इस अग्रीमेंट में पार्टीज है, ठीक है, मैं और संभव इस अग्रीमेंट में पार्टीज है। तो पुराने ज़माने में सब चीज़ें होती थी, अब नहीं होती है। तो अब कैसे इस्टेब्लिश करोगे कि संभव और मैं इसमें पार्टी है? तो मैं क्या करूँगा, इस डॉक्यूमेंट को लेके रैंडमली फाड़ दूंगा। ओके, इसको रैंडमली फाड़ दिया मैंने, स्केल स्केल लगा के नहीं फाड़ा, रैंडम फाड़ दिया। अब इसकी एक कॉपी मैंने संभव को दे दी, एक कॉपी मैंने खुद के पास रखी, ठीक है। अब पार्टीज टू दी अग्रीमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी दो पार्टीज हैं? तो बस कुछ नहीं करना है, आपको ये डॉक्यूमेंट लेना है, इसके दोनों पोर्शंस को जोड़ना है। अगर ये दोनों परफेक्ट जुड़ जाते हैं, आप दो पार्टीज, इसको बोलते हैं इंडेंचर। ओके, ये पहले के ज़माने में चलता था। आज ये बेवकूफ़ी मत करना कि तुमने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी और फाड़ के दे दिया कि आधा तू रख ले आधा मैं रख लेता हूँ। यू डोंट डू दैट, यू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज नाउ। सो इसको बोलते हैं इंडेंचर। साइरोग्राफ में मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा एक डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट के एक साइड में, इस डॉक्यूमेंट के एक साइड में मैं वर्ड साइरोग्राफम लिखूंगा, राइट, और उस वर्ड साइरोग्राफम को टेयर करता हूँ। तो इंडेंचर और साइरोग्राफम में डिफरेंस क्या, इंडेंचर आपने डॉक्यूमेंट रैंडम फाड़ दिया, और साइरोग्राफम में आपने क्या किया, साइरोग्राफम लिखा हुआ है एक जगह और साइरोग्राफम जहां पर लिखा हुआ है उसको आपने फाड़ा। तो इस तरीके से फाड़ा, साइरो CYRO एक तरफ रह गया और बाकी पूरा डॉक्यूमेंट एक तरफ रह गया, ठीक है, इसे बोलते हैं साइरोग्राफम। हवाला ट्रांजैक्शंस के नोट, या यू कैन से दैट। चलो ये समझ में आ रहा है। तो यार ये आपका एक चैप्टर था, है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो मैंने आपको छुड़वाया है, जो आपको रीड नहीं करना है अभी। ओके, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बाद में मतलब कब पढ़ेंगे, जब आपने कुछ ड्राफ्ट्स बना लिए होंगे उसके बाद फिर हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। अभी अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको याद करना पड़ेगा, बाद में ऐसा है कि अपने आप समझ में आ जाएगा, तो तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। अच्छा यार, अब इसके बाद मैं एक्चुअली कल क्या करूँगा, कम हम लोग एक डीड बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक अग्रीमेंट बनाएंगे। एंड कल थर्ड डे आई थिंक डेमो का, सो 2 दिन मैंने थोड़ा आपको थियरी वाला पार्ट बता दिया, कल मैं आपको एक बार अग्रीमेंट वाला पार्ट बता दूंगा कि किस तरीके से अग्रीमेंट राइटिंग होती है। तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा ऑफ यू नो माई टीचिंग वे और माई टीचिंग स्टाइल। अभी मैं वो अग्रीमेंट वाला पार्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, बिकॉज अभी स्टार्ट करूंगा तो मैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। कंप्लीट क्या मतलब, मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाऊंगा पूरा के पूरा। सो वो पार्ट अपन लोग कल देखते हैं, है ना। आज आपके नसीब अच्छे, आपको मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ, बिकॉज और मेरे पास 10 मिनट में और क्या बता सकता हूँ आपको।
बाकी तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस, बिकॉज अभी आई एम येट टू टीच एवरीथिंग, राइट? तो अपन लोग कल अग्रीमेंट वाला पार्ट देखते हैं, है ना? आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आज वैसे इतनी ज़बरदस्त अटेंडेंस कैसी है तुम लोग की यार, कहाँ सो गए सबके सब लोग? कि कल ही आई थिंक, अच्छा वो मे बी आई थिंक जिन्होंने एडमिशन लिए वो प्रॉब्ली आज डेमो में है नहीं, इज़ व्हाट आई फील पर्सनली, क्योंकि देयर वर कल सम 30-40 पीपल हु एक्चुअली टुक द एडमिशन, सो वो मैं आई थिंक वो प्रिज्यूम कर रहा हूँ। चलो एनीवे कल मिलते हैं अपन लोग, सेम टाइम है ना, सेम प्लेस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय। ब्लैक सूट कर रहा है मैम, थैंक यू सो मच। Thank you.